फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में प्रोटियस 7 और प्रोटियस 8 को इंस्टॉल करने का तरीका बता रहा हूँ। आपको जस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दो लिंक दी हुई है, उसमें से एक होगा प्रोटियस 7 और दूसरा है प्रोटियस 8। आपको जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, प्रोटियस 7 या प्रोटियस 8 या दोनों डाउनलोड करने हैं, तो आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो सपोज़ आपने प्रोटियस 7 के लिंक पे क्लिक किया हो, तो आपको एक फोल्डर डाउनलोड होगा। जैसे मैं जाता हूँ माय कंप्यूटर, अपने डाउनलोड सेक्शन में, यहाँ पे आपको लैब सेंटर इलेक्ट्रॉनिक्स नाम का एक फोल्डर मिलेगा। आपको क्या करना है, आपको जस्ट इसको कॉपी करना है और फिर सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल के अंदर जाकर इसको पेस्ट कर देना है। यहाँ पे पेस्ट हो गया लैब सेंटर इलेक्ट्रॉनिक्स। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर जाना है। प्रोटियस 7 प्रोफेशनल यहाँ पे फोल्डर है, इसके अंदर जाओगे तो आपको इतने सारे फोल्डर्स मिलेंगे। उस फोल्डर में से आपको बिन नाम के फोल्डर पे जाना है। यहाँ पे हमें एक ISIS नाम का एक एप्लीकेशन फाइल मिलेगी। इस एप्लीकेशन फाइल को आप शॉर्टकट क्रिएट भी कर सकते हो डेस्कटॉप पे, या फिर इसको जस्ट कॉपी कर सकते हो और डेस्कटॉप पे पेस्ट कर सकते हो। डेस्कटॉप पे आके हम उसको पेस्ट कर देंगे। आप इसको शॉर्टकट भी क्रिएट कर सकते हो। तो ये हमारा प्रोटियस इंस्टॉल हो गया। हम इस पर डबल क्लिक करेंगे और इस सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स आगे दिखाता हूँ, जैसे LED, ये यहाँ पे रेड LED ले लेता हूँ मैं। उसके बाद एक बटन ले लेता हूँ, फिर एक बैटरी ले लेता हूँ, ये रहा मेरा बटन, ये रही मेरी बैटरी, ये रही मेरी LED, ये मैंने एक सर्किट बना दी। अब मैं इसको यहाँ से प्ले करूँगा। प्ले करने के बाद जैसे ही मैं इसको प्रेस करूँगा, LED ऑन होगी, ऑन ऑफ ऑन ऑफ। ये मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, कहाँ से मैंने कौन सा कंपोनेंट चूज़ किया, उसकी लाइब्रेरी फाइल कौन सी है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। इस वीडियो में सिर्फ प्रोटियस 7 और प्रोटियस 8 इंस्टॉल कैसे करते हैं उसका ही एक्सप्लेनेशन दी है। तो चलिए अब प्रोटियस 8 के बारे में बात करते हैं। अभी मैं आपको प्रोटियस 8 को इंस्टॉल करने का तरीका बता रहा हूँ। उसके लिए आपको मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है। जब आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो एक जिप फाइल डाउनलोड होगी। वो जिप फाइल आपके ब्राउजर में ही डाउनलोड होगी। अगर वहाँ से मिस हो गई हो तो आप सीधा माय कंप्यूटर पे जाइए, वहाँ से इस डाउनलोड पे क्लिक कीजिए। आपको P8 नाम का जिप फाइल मिलेगा। इस P8 नाम के जिप फाइल पे राइट क्लिक करके उसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। यहाँ पे ये पाथ बता रहा है, तो मुझे पाथ कोई चेंज नहीं करना है, मैं बस इसको ओके कर दूँगा। ये फाइल एक्सट्रैक्ट हो रहा है। यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा P8 नाम से। ये देखिए यहाँ पे P8 नाम का फोल्डर क्रिएट हो चुका है। इस पर मैं डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लूँगा। यहाँ पे मेरे पास तीन फाइल्स दिख रही हैं, उसमें से मुझे इस एप्लीकेशन नाम के प्रोटियस फाइल पे क्लिक करना है और प्रोटियस को इंस्टॉल करना है। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस इसकी स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे आपको यस प्रेस करना है।
यहाँ पे हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे एग्रीमेंट लाइसेंस के बारे में पूछा जा रहा है। अगर आपको ये पूरा लाइसेंस के टर्म्स एंड कंडीशन रीड करने तो आप कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे चेक मार्क करके आप डायरेक्ट नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे हमें लोकल स्टोर लाइसेंस की ही यूज़ करनी है, इसलिए मैंने यहाँ पे मार्किंग की हुई है। उसके बाद हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे लाइसेंस आईडी नंबर ये रहा और नेम ये रहा, हमें इसको चेंज नहीं करना। तो अब हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है अगेन। यहाँ पे हमें तीन ऑप्शन है, बट हमें इस तीन ऑप्शंस में से में किसी पे कोई क्लिक नहीं करना, सीधा नेक्स्ट प्रेस करके आगे बढ़ना है। यहाँ पे टिपिकल और कस्टम दो टाइप के इंस्टॉलेशन के ऑप्शन है, हमें टिपिकल पे क्लिक करके इंस्टॉलेशन आगे स्टार्ट कर देनी है। ये रहा हमारा इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा रन प्रोटियस 8 प्रोफेशनल, बट अभी हमें यहाँ पे कोई क्लिक नहीं करना, जस्ट क्लोज पे क्लिक करके इसको स्टॉप कर देना है। सो दोस्तों, आपने इतना तो काम कर लिया। उसके बाद अब यहाँ पर एक और जिप फाइल है, इसको भी दोबारा हमें एक्सट्रैक्ट करना है। तो इस पर राइट क्लिक करेंगे और एक्सट्रैक्ट फाइल पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, जस्ट ओके प्रेस कर देना। फिर उसके बाद हमें एक फोल्डर मिलेगा, इस फोल्डर को ओपन करके यहाँ से दो फाइल को हमें कॉपी करनी है। इसको कॉपी करके हमें जस्ट सी ड्राइव में जाना है और यहाँ पे प्रोग्राम फाइल के अंदर जाकर हमें एक फोल्डर सर्च करना है जो कि लैब सेंटर नाम से होगा। ये रहा लैब सेंटर इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पे हमें अंदर जाना है। यहाँ पे मैंने पहले से प्रोटियस 7 इंस्टॉल कर चुका हूँ, अभी मुझे प्रोटियस 8 इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे प्रोटियस 8 फोल्डर क्रिएट हो चुका होता है जब हम प्रोटियस 8 को इंस्टॉल की प्रोसेस कर चुके होते हैं। यहाँ पे डबल क्लिक करना है और जो मैंने दो फाइल कॉपी की हुई थी उसको यहाँ पे जस्ट प्रेस पेस्ट कर देना है। बस अभी आप डेस्कटॉप पर जाकर देखो तो हमारा प्रोटियस 8 इंस्टॉल हो चुका है। सो फ्रेंड्स, अभी हमने इस वीडियो में ये देखा कि प्रोटियस 7 और प्रोटियस 8 किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि प्रोटियस 7 और प्रोटियस 8 कैसे यूज करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक भी कर लीजिए। हम इस तरीके के और इंटरेस्टिंग वीडियो और लाते रहेंगे जो कि स्टूडेंट्स और हॉबीस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, वो भी हिंदी में, और उसके साथ साथ इसका सबटाइटल्स इंग्लिश में भी होंगी। थैंक यू।